आज हम अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसकी प्रश्नावली 13.2 इसको शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। जैसे बेलन का इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये मान लो बेलन है, इसका ये इतना हिस्सा, ये केवल खुला हो ये वाला हिस्सा, इसके जो दोनों सिरे नहीं आएंगे है ना, तो जब अपन इसको खोलेंगे तो अपन को इस प्रकार ये आयताकार सीट मिलेगी। तो आयताकार सीट यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आयताकार सीट का क्षेत्रफल। अब आयताकार सीट मान लीजिए ये है, तो इसकी लंबाई h हो जाएगी और इसकी चौड़ाई जब अपन इसको अपन मोड़ेंगे आयताकार सीट को, तो ये अपन को बेलन मिलेगा है ना। तो जो इसकी ये क्या है चौड़ाई, ये आयत की चौड़ाई है, तो ये हो जाएगी बेलन की परिधि है ना। अपन ने पढ़ी है बेलन की परिधि या बेलन के आधार का परिमाप, ये वृत्त की परिधि है ना, वृत्त की परिधि या बेलन के आधार का परिमाप एक ही है, क्योंकि नीचे भी एक वृत्त बन रहा है ऊपर भी एक वृत्त बन रहा है। तो ये हो जाएगा h गुणे बेलन के आधार का परिमाप, ये हो जाएगा h इंटू 2πr। तो ये इस प्रकार फॉर्मूला बन जाता है 2πrh। फिर इसका अपन देख लेते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सरों का क्षेत्रफल। जैसे ये है एक बंद बेलन है ना, तो दोनों व्रतों का यानी कि ये जो ऊपर नीचे दो व्रत बन रहे हैं इन दोनों व्रतों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सिंपल है 2πrh प्लस, अब एक व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है πr2। अब यहाँ दो व्रत हैं तो दोनों व्रतों का क्षेत्रफल यानी 2 into πr2। अब यहाँ अपन को सूत्र मिल जाता है 2πr r + h। देखिए सूत्र अलग से सिद्ध करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन इसके बाद इसके इसको बेस बनाकर क्वेश्चन आते हैं है ना। और अपन को जितने बार ये अपन भूल जाते हैं, तो जितने बार अपन इसका ये बेस याद रखेंगे ये फॉर्मूले अपन के पक्के होते जाएंगे, और इनका अपन जितने बार रिवीजन करेंगे उतने अच्छे से याद हो जाएंगे। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जहाँ स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, जैसे कि ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तभी सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। मान लीजिए यहाँ आर स्क्वायर है, यानी कि आर सेंटीमीटर है मीटर में रहेगा, तो दो बार मीटर का गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे भी मीटर में रहेंगे आर और एच, तो एक मीटर इसका हो जाएगा और एक इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हमेशा सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में आएगा, ये भी हमेशा सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में आएगा। फिर जब अपन तीन बार सेंटीमीटर को गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, वही नियम मीटर पर लागू होता है। लेकिन सेंटीमीटर इंटू मीटर कभी नहीं होगा, पहले अपन मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे या फिर इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। जब दोनों इकाइयाँ बराबर हो जाएंगी तभी उनका अपन गुणा करेंगे। इसके बाद एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन एक मीटर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होंगे। जैसे इसका अपन ने होल स्क्वायर किया तो इसका भी होल स्क्वायर होगा, तो एक का स्क्वायर तो एक होगा, लेकिन यहाँ 100 × 100 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। इसी तरह से इसको जोड़ने के नियम रहते हैं, जैसे ये 4 cm² + 8 cm², तभी ये 12 cm² होगा। अब यदि ये 4 cm³ + 8 cm³, तो ये 12 cm³ हो सकते हैं, लेकिन 4 cm + 8 cm² यदि ये सेंटीमीटर में है और ये स्क्वायर में है, तो फिर ये संभव नहीं होगा है ना। इसके लिए अपन को दोनों को इक्वल करना पड़ेगा तभी ये प्लस कर पाएंगे, और यही सेम नियम माइनस पे लागू होते हैं, यही गुणा पे और यही भाग पे है ना। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रश्नावली देखेंगे।